हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह की लिरिक्स स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम रील्स पर अभी इस तरह की लिरिक्स वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही हैं, तो दोस्तों अगर आप लोग भी अपनी फ़ोटो लगाकर या किसी वॉलपेपर को लगाकर इस तरह की लिरिक्स स्टेटस वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो भी यहाँ पर बहुत जल्दी वायरल हो सकती है। गाइस, आपको इस तरह की लिरिक्स स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको अनलाइड मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आपको अनलाइड मोशन ऐप की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके अनलाइड मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद अनलाइड मोशन ऐप को ओपन करना है। अनलाइड मोशन ऐप ओपन करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नायरेसो 60 की साइज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको ब्लैक बैकग्राउंड को इसमें सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिला है क्रिएट प्रोजेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है, व्यू वॉल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल के फोल्डर ओपन हो जाएंगे। यहाँ से गाइस आपको उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम इस वॉलपेपर को इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इस वॉलपेपर को फुल स्क्रीन में लगा लेना है। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है थ्री डॉट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फुल स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर फुल स्क्रीन में लग जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है इफेक्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको इस समय एक इफेक्ट को सर्च करना है, सैचुरेशन वाइब्रेंस, इस वाले इफेक्ट को सर्च करना है। तो आप देख सकते हैं सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाला इफेक्ट हमारे सामने आ चुका है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस आपको सैचुरेशन को -100 पर कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं आपका वॉलपेपर का कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। गाइस आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको एक रेक्टेंगल को इसमें सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा देना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है कलर एंड फिल, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसकी लाइन को इस तरह से लगा देना है। इस तरह से आपको इसकी लाइन को लगा देना है। गाइस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको इसको नीचे साइड में कर देना है। गाइस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आप इसमें जो भी कलर लगाना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसमें कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें वाइट कलर को इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह गाइस आप इसकी लाइन के जरिए बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं, जितना बैकग्राउंड आप लगाना चाहते हैं वॉलपेपर में। तो इस तरह से गाइस हम वॉलपेपर में बैकग्राउंड को लगा देंगे। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक अब गाइस हम इसमें सॉन्ग को सिलेक्ट करेंगे। आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको व्यू वॉल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल के फोल्डर ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपको एक साउंड वाली वीडियो को इसमें सिलेक्ट करना है। गाइस आपको इस वीडियो की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो अनलाइट मोशन ऐप में ऐड हो जाएगी। ऐसा आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है थ्री डॉट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एस्ट्रिक आइडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस इस वीडियो का आइडियो निकल कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं आइडियो निकल कर आ चुका है। अब गाइस आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको डिलीट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही वीडियो डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं गाइस हमारी वीडियो में साउंड लग चुका है। अब गाइस यहाँ पर हम साउंड को चला कर देखेंगे इस तरह से। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा साउंड शुरू हो रहा है। जहाँ से आपका साउंड शुरू हो रहा है यहाँ पर आपको आना है। आने के बाद आपको प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको टेस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस मैंने लिरिक्स को पहले से ही कॉपी करके रखा है, तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हम लिरिक्स को पेस्ट कर देंगे। अब गाइस हम पहली लाइन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। गाइस आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है रोबो टू रेगुलर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको यहाँ पर इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। गाइस आपको इस फॉन्ट की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके इस फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है।
यहाँ से गाइस आप इसकी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से हम इसकी साइज को सेट कर लेंगे। अब गाइस आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है मूव एंड ट्रांसफॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको यहाँ से इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको इस तरह से नीचे साइड में इसको कर देना है, इस तरह से आपको इसको नीचे साइड में लाना है। अब गाइस आपको एंड में जाना है, आपको लिरिक्स के एंड में जाना है। यहाँ से गाइस आपको फिर से प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको इसको ऊपर साइड में इस तरह से कर देना है। गाइस आप देख सकते हैं हमारी लिरिक्स है जो कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट हो चुकी है। गाइस आपको टेस्ट वाली लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है इफेक्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एड इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको सर्च करना है वेब बार, इस वाले इफेक्ट को आपको सर्च करना है। आप देख सकते हैं फर्स्ट में ही वेब बार्प वाला इफेक्ट आ चुका है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। गाइस आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इसको इस तरह से इसको थोड़ा सा कम कर देना है, जैसे आपको इसको सेट करना है। सेट होने के बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको लिरिक्स के फर्स्ट में आना है, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एंड में जाना है, इसकी लाइन के एंड में जाना है। अब गाइस यहाँ पर आपको फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, इस तरह से आपको इसको वन पॉइंट पर कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट लेयर है जो कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट हो चुकी है। गाइस आपको साउंड को सुनते जाना है और लिरिक्स को सेट करते जाना है। गाइस आपको वॉलपेपर की लेयर को यहाँ पर साउंड की लेयर के बराबर कर देना है, इस तरह से आपको साउंड की लेयर के एंड में जाना है। इस तरह से आपको एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी लेयर यहाँ पर 10 सेकंड तक लंबी हो जाएगी। इस तरह से गाइस आपको सभी लेयर को 10 सेकंड तक लंबा कर देना है। तो चलिए हम कर देते हैं, इस तरह से आपको सभी लेयर को 10 सेकंड तक लंबा कर देना है। इस तरह से गाइस आपको सभी लेयर को 10 सेकंड तक लंबा कर देना है। अब गाइस आपको टेस्ट वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करना है। इस तरह से गाइस आपको इस लेयर को डुप्लीकेट बना देना है ना है। अब गाइस आपको टेस्ट वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इसको होल्ड करके इस तरह से आपको इसको आगे ले जाना है, इस तरह से आपको इसको आगे ले जाना है। अब गाइस आपको इस लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एडिट टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर गाइस आपकी जो सेकंड लाइन है आपको यहाँ पर लिखना है, इस तरह से आपको सेकंड लाइन को लिखना है। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं आपकी जो सेकंड लाइन है यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी जो सेकंड लाइन है यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट हो चुकी है। इसी तरह से गाइस आपको डुप्लीकेट लेयर को बनाते जाना है और यहाँ पर आपको टेस्ट को लिखते जाना है और आगे यहाँ पर सेट करते जाना है। तो चलिए हम सभी लिरिक्स को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इस तरह से आपको डुप्लीकेट लेयर को बनाना है। बनाने के बाद आपको इसको होल्ड करके आगे ले जाना है, इस तरह से। अब यहाँ पर गाइस आपको इसमें टेस्ट को लिखना है। आप देख सकते हैं हमारी लिरिक्स है जो कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब गाइस आपको इसमें एक इफेक्ट को लगा देना है, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको व्यू वॉल पर क्लिक करना है। इसमें एक पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। आपको इस पार्टिकल इफेक्ट वीडियो की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस आपको पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी पार्टिकल इफेक्ट वीडियो कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगी। अब गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको लाइटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको व्यू वॉल पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इस समय एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। आपको इस बॉर्डर लाइन की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके बॉर्डर लाइन को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है।
तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो गाइस आप इसी तरह से अपनी फोटो लगाकर या किसी वॉलपेपर को लगाकर न्यू ट्रेंडिंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।